अगर रशियन लैंग्वेज का एग्जाम निकाल लेते हो उनका उनकी गवर्नमेंट का तो आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल जीरो है। और लेकिन आप सोचो कि आप वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स ले लोगे जैसे लौकी तुरई ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको, तो वो इंडियन बॉलीवुड से बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग से होते हैं। अच्छा। कि मेजोरिटी आप अगर टैक्सी में जा रहे हो तो मेनली आपको टैक्सी में उज्बेकिस्तान वगैरह के मिलेंगे। अब नए रशियंस हैं जैसे जो टीनेजर्स हैं उनको इतना पता नहीं है, उनको बेसिकली एक चीज पता है मोदी कि नरेंद्र मोदी समथिंग कुछ एक पर्सनैलिटी है, मतलब वो टेक्नोलॉजी और जो डेवलप्ड कंट्री रशिया है वो दूसरी अदर कंट्रीज उतनी डेवलप्ड अभी नहीं हुई हैं। वेलकम टू MBBS डायरेक्ट, और मेरा नाम है पीके सिंह। आज हमारे साथ हैं स्टूडेंट जो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं और ये भी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं। और लास्ट वीडियोज में आपने देखा कि हमने बात की जो फिफ्थ ईयर स्टूडेंट थे वहाँ के अखिलेश यादव ने हरिओम, उन्होंने आपको बताया यूनिवर्सिटी के बारे में, बताया कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ का हॉस्पिटल कैसा है। तो बताएं अंकित कैसे हैं आप, स्वागत so, आपका है। माय नेम इज अंकित शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई एम अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। अंकित देखो होता क्या ना कि हम बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते हैं, अपनी बात की एजुकेशन के बारे में बात की, हमने बात की हॉस्टल के बारे में बात की, आज हम कुछ हट के पॉइंट आपसे पूछना चाहते हैं जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है इंडिया के मुकाबले रशिया का, पहला। और दूसरा मुझे आप बताइए कि वहाँ का मंथली एक्सपेंसेस क्या है, मतलब बहुत बच्चे बताते हैं कोई सर इतना है, कोई बोलता है 5,000, कोई 10,000, कोई 15, कोई 20 बोलता है, एक्चुअल कितना खर्चा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात आपको, क्योंकि वहाँ आप 2 साल से रह रहे हैं इसलिए। नो डाउट सर, लिविंग स्टैंडर्ड रशिया का काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया, काफ़ी हाई है। और अगर लाइक आप ये करते हो कि मंथली एक्सपेंडिचर आपके कितने हैं, तो ऑन एन एवरेज आपका लाइक 3,500 to 4,000 रूबल आपका हॉस्टल फीस जाती है, वेरी टू डॉम टू डॉम के कौन सा डॉम पर्टिकुलर डॉम में रहा है। और ग्रॉसरीज आपका ये है कि आप डिपेंड करता है कि आप क्या आप खाते हो, कैसा खाते हो, तो उसमें आप 6,000 to 8,000 रूबल्स आपका 6,000 to 8,000 रुपए बैठता है आपका ग्रॉसरीज मंथली फूड एक्सपेंसेस का। और ऑन एन एवरेज लाइक आपको 2,000 to 3,000 मिला के आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो ऑन एन एवरेज की 15,000 मंथली आपका 14,000 to 15,000 में आपका आराम से हो जाता है। जब फूड जो है ना कि फूड का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि जब घर से निकलते हैं तो मम्मा का जो घर का बना खाना होता है, मदर का जो होता है ना कि घर का खाना होता है, हालांकि वो तो कहीं नहीं मिलता है। हाँ, वो कहीं भी नहीं मिलेगा सर। और जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो फूड की क्या प्रॉब्लम्स आपको आई थी, अब फूड अब कैसे बनाते हैं, क्या मतलब तो सर बेसिकली क्या है कि आपको रशिया है तो व्लादिवोस्तोक एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स इंपोर्ट होती हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगी जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी मिल जाती हैं। बेसिकली आपको वहाँ पे आलू, प्याज, गाजर, मैक्स टू मैक्स मशरूम, गोभी और चिलीज, शिमला मिर्च वगैरह मिल जाती है। हाँ, बेसिक मिल गया। लेकिन आप सोचो कि आप वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स ले लोगे जैसे लौकी, तुरई, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको। अगर मिलती भी है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली रहती हैं, और आपको ऐसे मिल सकती हैं कि आप डीप फ्रीज ले लो, जो फ्रोजन वेजिटेबल्स होती हैं वो ले लो। तो ऐसा है कि सर आप जब हम लोग स्टार्टिंग में गए थे तो हम बेसिकली दाल, चने, राजमा, छोले वगैरह खा बनाते थे। तो खाने का क्या है कि आपको प्रॉपर हर फ्लोर पे डॉर्मेटरीज में हर फ्लोर पे 2 to 3 किचन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और हर किचन में मैक्स 2 to 3 इंडक्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सर आप खाना बना सकते हो अपना जैसे भी बनाना है, और खाने का क्या है कि आप 24/7 जब आप कंफर्टेबल हो खाना बनाने के लिए तो आप बना सकते हो, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, रेसिज्म वगैरह जैसे कि वो मतलब आप इंडियन है वहाँ रशियन और इसका अदर कंट्री के स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर रहते भी हैं, और उस केस में जब रेसिज्म होता है या नहीं होता है उसके बारे में बताएं। तो सर बेसिकली क्या है, जो फार ईस्टर्न एक बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे रेसिज्म का कोई ऐसा मतलब सीन नहीं है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे एज एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो वेराइटी मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज के यहाँ पे बच्चे आते हैं। तो मोस्टली क्या होता है रशियंस को भी थोड़ा एक्साइटमेंट रहती है कि हमारी कंट्री में एक नया स्टूडेंट आया है, नया बंदा है, इसका नया कल्चर है, डिफरेंट कल्चर है। तो यूनिवर्सिटी का भी ये रहता है कि हर मंथ टू मंथ में वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब फंक्शंस होते रहते हैं जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के कल्चर्स अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रशियंस भी क्या है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और दूसरे कल्चर्स को देखने के लिए, तो अ काइंड ऑफ रेसिज्म कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, बल्कि रशियन गवर्नमेंट्स का और रशियन स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, जो रशियन लोकल रशियन है अगर आप कम मार्केट में भी जाओगे तो आपसे वो सामने से अप्रोच करेंगे कि आपके कल्चर में ऐसा क्या होता है,
आप कहाँ के हो, आपकी क्या लैंग्वेज है, मतलब इंटरेस्टेड होते हैं आपके लिए। आप लोग बोलते हो कि आप इंडिया से, तो कैसा रिएक्शन उनका होता है? सर जैसे हम बोलते हैं आप जैसे मान लो मेजोरिटी आप अगर टैक्सी में जा रहे हो तो मेनली आपको टैक्सी में उज़्बेकिस्तान वगैरह के मिलेंगे, तो वो इंडियन बॉलीवुड से बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग से होते हैं। अच्छा। कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। लाइक आप सिटी में हो तो इंडिया में जो अब नए रशियंस हैं, जैसे जो टीनेजर्स हैं, उनको इतना पता नहीं है, उनको बेसिकली एक चीज पता है मोदी, कि नरेंद्र मोदी समथिंग कुछ एक पर्सनैलिटी है मतलब वर्ल्ड में। हाँ। कि हाँ भाई तुम मोदी की जगह से। और जो पुराने जो ओल्ड एज रशियंस हैं जो 55 के हैं, उन्हें मतलब वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप जाओगे आपको फूड ड्रिंक्स सब कुछ सामने से ऑफर करेंगे अगर वो कुछ ऐसा कर रहे होंगे तो। बाकी जो पुराने रशियंस हैं लाइक जो ओल्ड मतलब ओल्ड हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है इंडिया का कल्चर, इसलिए आप जब भी देखोगे मोस्टली यहाँ पे अगर इंडिया में टूरिज्म है तो रशियंस ही आते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे मान लो कि कभी मनी वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ी तो उस केस में यूनिवर्सिटी अपने पर्सनल लेवल कैसे आपकी हेल्प करती है? तो सर जैसे कि अभी आप एक दो चीजें हैं वहां पे कि अगर आप कोई भी कोर्स पर्टिकुलर कोर्स रशियन लैंग्वेज में करते हो तो वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं अपना लैंग्वेज का। अगर आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो तो आपकी टोटल ट्यूशन फीस जीरो हो जाती है। जैसे मेरे ही साथ के मतलब मेरे साथ के क्या जो MBBS में है, तो कॉलेज कोलंबियंस हैं, ब्राजीलियंस हैं जो रशियन में ही MBBS कर रहे हैं, तो उनका ट्यूशन फीस जीरो है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने रशियन गवर्नमेंट का रशियन लैंग्वेज का एग्जाम दिया, तो ट्यूशन फीस जीरो जाती है। और हर बच्चे का मेन कंसर्न ये होता है कि आपकी ट्यूशन फीस कम से कम हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, पूछते हैं सर कि स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता है? स्कॉलरशिप का सर अभी लिटरली यही मतलब एक सीन है कि आप अगर रशियन लैंग्वेज का एग्जाम निकाल लेते हो उनका उनकी गवर्नमेंट का, तो आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल जीरो है। और स्कॉलरशिप का सीन सर अभी तक तो कुछ नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटी ऐसे हेल्प कर सकती है आपकी कि आप जैसे बीच में भी क्या हुआ, वॉर हुआ, सैंक्शंस लग गए, तो बच्चों को ये हो रहा था कि मनी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, तो फीस यूनिवर्सिटी ने आपको टाइम दिया कि आप 6 महीने तक आप पोस्टपोन कर दिया कि आप 6 महीने तक सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है तो आप तब फीस जमा कर देना, तो यूनिवर्सिटी आपको इस एंड तक हेल्प करेगी। ओके, तो अच्छा ये बताइए जब आप यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक आइलैंड पे है जो कि बहुत खूबसूरत है, रूस की आइलैंड है ना उसका नाम, रूस की, हाँ रूस की आइलैंड नाम है। और जब वहां से आइलैंड से आप यूनिवर्सिटी आते हो, जैसे कि बहुत सारे डेली सामान होते हैं आपको वहां पर नहीं मिलते हैं कैंपस, हालांकि सुपर मार्केट वहां पर है, आप खुद ही यूज करते होंगे जब सिटी से, तो वहां पर मतलब ट्रेवलिंग के लिए आप बस का यूज करते हैं कि ट्राम का यूज करते हैं कि टैक्सी यूज करते हैं, और कितना एक्सपेंस आता है दिल्ली से? तो सर लाइक ये सीन है कि अगर आपको बेसिक इमरजेंसी में कोई बेसिक रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको बेसिक सांबीरी या 24/7 आपको कैंपस भी देना, कैंपस ही मिल जाएंगी, तो 3-4 मतलब कैंपस के अंदर ही है जहाँ से आप बेसिक चीजें ले सकते हो। और आप अगर लाइक मंथली और वीकली ग्रोसरी लेना चाहते हो और चीप लेना चाहते हो मतलब सस्ते में, अगर आपको सिटी जाना है तो उसके लिए क्या सर कि अगर आपको सिटी में कलीना मॉल एक मतलब एक जगह है वहाँ पे सांबेरी है, तो वहाँ पे बेसिक हर चीज़ मिलती है, तो उसके लिए क्या कि सर यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी है, सैटरडे संडे 2 बसें चलती हैं। अच्छा, अपने नाम कहते हैं कलीना, कलीना मॉल एक मॉल है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पर मॉल होते हैं ना, जैसे मॉल है तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ बिग बाजार टाइप होता है और जैसे कई चीज स्टोर्स होते हैं, तो वैसे वहाँ पे एक सांबेरी का स्टोर है, तो वहाँ पे आप उसके लिए मतलब यूनिवर्सिटी ने ही 2 बसें चला रखी हैं सैटरडे संडे। और अगर आपको लाइक सिटी जाना है तो मेजर सिटी सेंटर और एक बलेवा स्ट्रीट करके एक जगह है, तो वहाँ के लिए दिन में दो तीन घंटे के अल्टरनेट टाइम में तो बसें चलती रहती हैं यूनिवर्सिटी की। फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो अच्छी बात। और उसके बाद अगर आपको ये मान लो आपकी यूनिवर्सिटी बस छूट जाती है तो सर मैक्स टू मैक्स आप कहीं भी जाओ, चाहे 20 किलोमीटर ट्रैवल करो चाहे 50 करो, आपके सिर्फ 35 रूबल ही लगेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि बच्चों का कंसर्न रहता है कि सर दूर है तो ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत अधिक लगेगी। अच्छा, जब आप फेफू से इंडिया आते हैं तो वाया दुबई आते हैं, वाया मास्को आते हैं, या फिर वाया हांगकांग आते हैं, जब यहाँ से आप जाएंगे भी आप तो वाया दुबई जाएंगे, हांगकांग कैसे, कितना फेयर आता है? सर ये है कि जैसे कि अभी वॉर जब तक नहीं हुआ था तो वाया जापान वगैरह आप चाइना भी आ सकते थे, लेकिन आफ्टर वॉर क्या हुआ कि सब कुछ सैंक्शंस लग गए, बंद हो गया। तो अगर आप नॉर्थ और मिडिल इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रूट है कि आप व्लादिवोस्तोक से मॉस्को आओ डायरेक्ट, और देन मॉस्को टू दिल्ली आओ। अगर आप लाइक साउथ इंडिया में लाइक तमिलनाडु हो या मुंबई से हो या आप बिल्कुल ही केरला से हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रूट होता है कि अगर आप व्लादिवोस्तोक से मॉस्को, मॉस्को टू शारजाह दुबई जाओ, दुबई से आप डायरेक्ट आओ, तो आपको सबसे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का और इवन आप कह सकते हो कि चीप भी पड़ेगा।
और बात रही अगर लाइक सर फेयर की, तो मैक्स टू मैक्स सर फेयर ये होता है कि 60 to 70 thousands में आप आना जाना आपका हो जाएगा। अच्छा, वो डिपेंड करता है रूट पे, डिपेंड करता है। 30 to 35 आपका वन वे पड़ता है अगर आप आना जाना की रिटर्निंग मतलब बोर्ड टिकट एक साथ करते हो तो 60 to 70 thousands में आपका आना जाना हो जाता है। एक्सेस लगेज भी लगा लो आप तो भी 72 मैक्स आता आपका, मतलब कि बोथ साइड का हाँ आना जाना मिला के 70,000। अगर आपका कोई एक्सेस बैगेज है मान लो, क्योंकि क्या होता है मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक डोमेस्टिक फ्लाइट होती है तो उसमें आपका 23 का एक ही लगेज रहता है, तो ऐसा होता है कि बच्चे दो लगेज लेके जाते हैं तो उसके आपको 3500 आप ऑनलाइन पे करो तो आपको 72 to 73 thousand रूबल्स में आना जाना कम्प्लीट हो जाता है। अच्छा, एक देखो यूनिवर्सिटी रेटिंग का हम एक रैपिड फायर करेंगे, आपको आउट ऑफ 10 उसको रेट करना है, रेट देनी उसकी है, रेटिंग करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है उसको कितना आप, तो सर एजुकेशन को, एजुकेशन नो डाउट अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं एजुकेशन को 10 out of 9 दूंगा जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा एक लैंग्वेज फैक्टर आ जाता है वो, लेकिन बहुत बेसिक सी चीज है उसको आप इतना कंसिडर नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन हमारा वही था, लैंग्वेज बैरियर के क्या मतलब उसको, लैंग्वेज फैक्टर सर ये कि आप पूरी यूनिवर्सिटी में विद इन द कैंपस आप कहीं भी जाते हो तो टोटल इंग्लिश है, आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगा कि आप कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। और किसी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आपको विद इन द कैंपस प्रॉब्लम हुई तो आप सामने से वो बंदा आपको एज अ ट्रांसलेटर, एज अ गूगल ट्रांसलेटर आप यूज कर सकते हो तो वो उस एंड पे अपने आप हेल्प करेगा, आपको ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। हॉस्टल, हॉस्टल सर नो डाउट रशिया का फारिस्टन फेडरल के हॉस्टल्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं और इसको मैं 10 out of 10 ही रेटिंग दूंगा। तो बताएं हॉस्टल की मतलब क्या खास इसमें से लगता है, खास ये है कि एक तो आइलैंड है तो आइलैंड इस तरीके से स्ट्रक्चराइज्ड है कि एक तो सामने सी ऑफ जापान दिखता है बिल्कुल, मतलब लाइक ऐसे है कि आप विदिन 100 meters और 200 meters किसी भी डॉर्मेटरी में आप रहते हो तो आप सी बीच पे जा सकते हो, ओशन है तो एक थोड़ा सा फैसिनेटिंग से लगता है, पूरी ग्रीनरी है, ओशन है सामने, लैंड है और वाटर एक साथ है तो एक थोड़ा सा आप जब सुबह उठोगे सनराइज होगा आप विंडो खोलोगे तो आपको सी दिखेंगे, उसमें शिप्स होंगे, आप प्लेट्यू होगा थोड़ा उससे नीचे प्रॉपर आपको फॉरेस्ट एरिया भी दिखेगा, बीच भी दिखेगा तो एक बहुत अच्छा सा मतलब एक होता है कि हाँ पॉजिटिव वाइब सी आती है, बहुत अच्छा सा लगता है। टीचर कैसे वहाँ गए, टीचर सर इसका रेट मतलब रेटिंग करने जाएं तो 9 out of 10 कितने करेंगे सर? लाइक मैं टीचर्स को 9 out of 10 दूंगा, टीचर्स सारे नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं तो बस एक ये वाली चीज हो जाती है कि अगर आप टीचर के हिसाब से चीजें नहीं कर रहे हो, लाइक आप असाइनमेंट अच्छे से मतलब कॉलिक्यूम वगैरह वाइवा वगैरह नहीं दे रहे हो तो टीचर का एक फैक्टर होता है कि हाँ ठीक है ये बच्चा वैसा है तो हिसाब से, बाकी टीचर सारे बहुत से ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। फैसिलिटीज विद इन द कैंपस उसमें आप कितना रेटिंग करना चाहेंगे? सर फैसिलिटीज विद इन द कैंपस 10 out of 10 है कि लाइक अगर आप स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए 2 sports building and 3 sports building है, S1, S2 और S building, उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, स्विमिंग मिलेगा आपको, बॉक्सिंग मिलेगी, कराटे मिलेगा, वॉलीबॉल है, मतलब जो आप स्पोर्ट्स जितने भी आप सोच सकते हो वो आपको सब मिलेंगे। आप जानते हो आप इंडियन हो तो इंडियन तो लोग विराट कोहली पसंद करते हैं, सो बट बेसिकली सर आप जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, होता है ऐसा कि आप क्रिकेट खेलते हैं बच्चे स्टेडियम में प्रॉपर वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि सर मुझे स्विमिंग बहुत पसंद थी तो मैं स्विमिंग भी करता हूँ, जैसे स्विमिंग करता हूँ, रनिंग वगैरह करता हूँ तो मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है एज कम्पेयर टू क्रिकेट, तो मेरे को स्विमिंग की फैसिलिटीज हैं और मैं सेकंड ईयर में सर पूरी स्विमिंग करी, मतलब पूरा साल ही किया तो आप अगर, क्योंकि क्या होता है बच्चों को यहाँ पे बेसिकली क्या है कि क्रिकेट एक बेसिक स्पोर्ट है तो बच्चे उसमें लेते हैं, जब आप बिल्कुल एक नया एक्सपोजर में जाओगे आप देखोगे बॉक्सिंग भी हो रही है, फेंसिंग भी एक स्पोर्ट है वहाँ पे जो इंडिया में इतना फेमस है ही नहीं बिल्कुल भी, तो आप फेंसिंग भी सीख सकते हो वहाँ पे। सेफ्टी का मतलब कितना रेट करना, सेफ्टी सर 10 out of 10 नो डाउट, कोई आपको इशू नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ओवरऑल अगर रेटिंग करना चाहते हो आप एक फेफू यूनिवर्सिटी को तो कितना आप रेट करना चाहते हैं? सर फेफू को मैं ओवरऑल 9 out of 10 दूंगा जस्ट बिकॉज सब कुछ मतलब गुड, हर चीज अच्छी है, बस एक थोड़ा सा वो आता है कि आपको एक होम सिकनेस वाली फीलिंग सी होगी और थोड़ा सा एक बहुत माइन्यूट सा लोकल, जब बिल्कुल मतलब लोकल रेसिडेंस रेसिडेंट्स के जब आप उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेट करोगे तो थोड़ी सी एक वो वाली चीज आ जाती है कि आप लैंग्वेज बैरियर में, बाकी इतना कोई कंसीडर करने वाला फैक्टर है नहीं, बाकी सर एजुकेशन, स्पोर्ट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक रिक्वायरमेंट, सेफ्टी, एकोमोडेशन, मतलब सब कुछ अच्छा है। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर है? हाँ सर, हॉस्पिटल का ये है कि आप जहाँ हमारी क्लासेस लगती हैं बिल्डिंग में उससे ही अटैच मेडिकल सेंटर है तो वहीं पे आप प्रैक्टिस भी आपकी होगी और आपको क्लासेस इधर लगेंगी, अगर आपका प्रैक्टिकल है तो आपको लेके भी जाएंगे वहाँ पे। अच्छा एक क्वेश्चन मतलब पूछते हैं आपसे, पर्सनल क्वेश्चन है,
अगर फेफू नहीं होता, अगर फेफू नहीं जाते तो फिर आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाते? ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस सारे बच्चों को टॉप यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है, यस बिल्कुल सही. आप भी जानते हो कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि या तो लेट हो जाते हैं अप्लाई करने में, या फिर सीट वहाँ पर नहीं मिलती है। तो अगर आप फेफू नहीं अगर होता तो, या फिर आप कौन सी डिसाइड सर अगर करते मेरे को हैं? लाइक फेफू नहीं मिलता तो मैं फर्स्ट मॉस्को जाता, आई एम सचिनोव में मॉस्को. बट उसका ये था कि फीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉस्टली यूनिवर्सिटी है वो. उस रेट में मैं इंडिया में भी किसी प्राइवेट कॉलेज में कर सकता था. अदर अच्छा, देन दैट कि मैं उसके बाद कुर्क स्टेट को प्रेफर करता. कुछ क्यों उसके करते हैं? कुर्क इसलिए करता सर बिकॉज क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसमें कुछ आई डोंट नो दैट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बट उसमें कुछ मल्टीपल डिग्रीज का कुछ सिनेरियो है. हाँ, 2 डिग्री देते हाँ, दो हैं, डिग्री का बीएस कुछ और सिनेरियो एमबीएस के है. एमबीएस के तो अलावा। और बाकी नो डाउट क्या है, मॉस्को के पास है. सबसे अच्छी चीज़ ये कि मेरे को अगर मान लो इंडिया आना है कि सडन ऑफ सिचुएशन में, तो ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. और यूनिवर्सिटी नो डाउट अच्छी है. और उसमें ऐसा हुआ था कि सर लाइक उसमें सीटें फुल हो चुकी थी तो मैं एनरोल नहीं करवा पाया अपने आपको. दैट्स अच्छा, वाई मैं फारिस्टन पे मूव डाउन कर तो गया. मतलब सीट मतलब कुछ को अगर आप नहीं मिलता फिर वो तो कुछ डेफिनेटली जाते हाँ हैं। कुछ ज़्यादा फिर मैं. ओके, देखो एक एक गाइडेंस चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि 2021 में आप बहुत सर अब मैं इसमें जाऊंगा, सर उसमें मेरा अप्लाई कर दो, सर मुझे कजान में जाना है, सर मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। आप एक स्टूडेंट हैं, अब एक स्टूडेंट की बात एक स्टूडेंट से होता है, क्योंकि आपने भी स्टूडेंट से बात की थी हाँ यूनिवर्सिटी बिल्कुल. डिसाइड करते हुए टाइम। आपने कहा बेटा किसी हाँ बच्चे से बात कर लो या रेफरेंस, तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की थी। तो आप एक सच्ची बात बताना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक स्टूडेंट को अगर गाइड करना चाहते हैं वो फॉरेस्टर्न यूनिवर्सिटी या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी या रशिया ही क्यों जाए? क्योंकि कंट्री बहुत सारे हैं, उज्बेकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, आप रशिया ही क्यों गए? और उसके बारे में थोड़ा मुझे जेन्युइन व्यू बताएं। बेसिकली सर रशिया ऑप्ट करने का ये रीज़न था, अगर आप जैसे मान लो बहुत सारी कंट्रीज हैं, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान है, चाइना है, तो चाइना का मेनली क्या है, लैंग्वेज इशू है. बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, आप कोप अप नहीं कर पाओगे. तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे लैंग्वेज की भी तो मेन चाइना चीज़ मतलब ना हाँ जाए। ना जाए मतलब. और बाकी सर क्या है, उज़्बेकी जो ये छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, ये कंट्री नो डाउट अच्छी होंगी अपने टर्म्स में. बट मेरा ये फैक्टर था, मैंने कुछ फैक्टर्स डिसाइड करे थे मतलब कि लाइक कि रशिया एक तो बहुत हाईलाइटेड कंट्री है वर्ल्ड में क्योंकि रशिया का एक एग्जिस्टेंस है वर्ल्ड में. सेकंड चीज़ क्या है कि जो टेक्नोलॉजी और जो डेवलप्ड कंट्री रशिया है वो दूसरी अदर कंट्रीज उतनी डेवलप्ड अभी नहीं हुई हैं. तीसरी चीज़ क्या है सर, इनका एक तो हर कंट्री का एक अपना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है. रशिया का नो डाउट अदर मतलब स्मॉल कंट्रीज से बहुत ज़्यादा हाई है. और फोर्थ फैक्टर ये सर कह सकते हो आपकी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, इनका मेडिकेशन बहुत अच्छा है. और लाइक कोविड आया, सबसे पहली वैक्सीन रशिया ने निकाली, तो नो डाउट अगर उन्होंने वैक्सीन रिसर्च करी, कुछ निकाली, तो कुछ तो उनके पास एजुकेशन में ऐसा होगा कि उनका कुछ तो ऐसा होगा कि फर्स्ट वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में रशिया ही दे पाया. दैट्स व्हाई कि मैं हाँ रशिया को प्रेफर करूंगा सर. जो आपने वैक्सीन की बात की ना, तो स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है हाँ वो ज्वाइंट कॉलेबोरेशन बनी है आई एम सचिनो यूनिवर्सिटी हाँ सचिनों में और कुर्स्क स्टेट मेडिकल ने हाँ मिलकर बनाई है। कुर्स्क स्टेट मेडिकल के जो प्रोफेसर डेनिस हैं उन्होंने, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं वो, तो ये रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछनी थी, आपने मुझे बताया कि ये अनडेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पर इतना अच्छा मेडिकल एजुकेशन नहीं है। इंटर्नशिप का जो है, क्योंकि आप जो इंटर्नशिप बोला जाता है कि 1 साल की इंटर्नशिप करनी है इसी प्रोग्राम के अंदर 5.8 ईयर्स में, तो क्या इंडिया आके भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, या आप करते हैं, या आप करने जा रहे हैं, या ऐसा कुछ सच्चा है? क्योंकि अखिलेश मुझे बताया कि हाँ करते हैं वो लोग, कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे हैं क्या? तो सर ये सिनेरियो कि लाइक टिल लास्ट ईयर ऐसा होता था कि बच्चों को मेडिकल बुक अलॉट होती थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में होती है रशिया के. तो उसमें क्या होता है कि रशियन गवर्नमेंट के थ्रू से मैंडेटरी कि आपको 160 to 180 आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं. आपको एक आपके टेन्योर में कि लाइक आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको पूरे टेन्योर में 180 आवर्स और 160 आवर्स आपको करने हैं. तो ये लास्ट ईयर तक होता था कि बच्चे मान लो जो घर जा रहे हैं वो अपने कंट्री में अपने मतलब हॉस्पिटल्स में करते थे, और जो बच्चे नहीं जा रहे हैं वो उनको वहीं पे प्रैक्टिस कराई जाती थी. लेकिन इस साल से मैंडेटरी कर दिया मतलब यूनिवर्सिटी ने कि आपको 160 आवर्स की प्रैक्टिस विद इन द कैंपस ही करनी है अप्रैल टू जुलाई. उसके बाद आपका एक बेसिक सा छोटा सा एग्जाम होगा कि आपने प्रैक्टिस में क्या सीखा. लेकिन अगर जैसे मेरी प्रैक्टिस सर इस बार मैंने करी, मेरे 160 आवर्स की प्रैक्टिस थी, मैंने कंप्लीट करी, बट मैं उसके बाद भी अभी से इंडिया में आऊँगा मतलब इंडिया आ गया हूँ तो मैं यहाँ पे भी 2 महीने के करूँगा जस्ट बिकॉज कि हाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा. और एट लास्ट मान लो अगर मैं इंडिया आने का प्लान करता हूँ अपने डिग्री के बाद, तो ये होगा कि मुझे 4-5 साल अगर मैं प्रैक्टिस कर लूँगा इंडिया में, तो वो चीज़ होगी कि मैं पेशेंट से खुल पाऊंगा और
और 10 नई चीज़ें मुझे पता लगेंगी, क्योंकि क्या होता है हमारे इंडिया में, एक तो पेशेंट एक्सपोजर बहुत है नो डाउट एज कम्पेयर टू रशिया, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी वहाँ पे, क्योंकि उनका थोड़ा सा रूल्स वाला होता है। अच्छा एक चीज़ और, टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए, मेडिकल एजुकेशन में देखी जाए, तो रशिया एडवांस है इंडिया एडवांस है? सर दोनों ही आज की डेट में, मतलब आप कह नहीं सकते कि रशिया एडवांस है इंडिया एडवांस है, लेकिन कुछ चीज़ों में रशियन मेडिकेशन में जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, लाइक आप कह सकते हो कीमो में, तो जो मशीन्स इंडिया में आज चल रही हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स में वो, जैसे मान लो आप, अब AI आ गया है, AI का टाइम है, तो लेकिन जैसे हम MRI एक्सरे वगैरह की मशीन यूज करें तो बेसिकली वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, लेकिन आप जैसे अब रशिया में जाओगे मॉस्को वगैरह जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्या है कि बेसिकली आप AI के थ्रू मशीन्स, मतलब उसमें कोई ऐसा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है कि अब डॉक्टर डॉक्टर रिपोर्ट देख रहा है, लेकिन जो मशीन है बहुत ज़्यादा वेल फर्निश्ड हैं, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं, तो उससे क्या होगा प्रॉपर और बहुत अच्छे से चीज़ें डायग्नोज हो पा रही हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। बट आप एम्स वगैरह में देखोगे तो वो मशीन आ गई हैं उस हिसाब से। अच्छा फीस कैसे ट्रांसफर करते हैं आप? फीस का सर ये है कि आप सबसे आजकल तो मेन रशिया में यही हो रहा है बाइनेंस, बाइनेंस के थ्रू आप कर सकते हो। बेसिकली बाइनेंस में सर एक फीचर है P2P ट्रेडिंग का, आप क्या करते हो कि अपने INR अकाउंट के गूगल पे के थ्रू आप डॉलर या BUSD बाइनेंस कॉइन आप किसी भी बंदे से खरीदते हो उसमें, और उसको फिर आप INR में खरीद के डॉलर को आप रूबल में विद इन अ बाइनेंस बैलेंस ऐप के अंदर ही आप उसको सेल करते हो, तो जो आपने INR में खरीद के रूबल में सेल किया वो रूबल आपके रशियन अकाउंट में आ जाते हैं, और उस वे से आप फीस अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सकते हो। तो सेम चीज अगर अगर आपको पर्सनल एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसको सेम वैसे ही करते होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाई MBBS एक्ट, क्योंकि आपने MBBS एक्ट क्यों ऑप्ट किया? सर मतलब मैंने MBBS एक्ट इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि क्या होता है कि सबका अपना एक लाइक चीज़ों को ग्रैब करने का एक वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे को मतलब ये लगा कि मैंने जब बात करी तो मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ, इसलिए मैंने MBBS एक्ट मतलब प्रेफर करी अदर देन दूसरी कंसल्टेंसीज से, क्योंकि जहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी आप वहीं जाओगे, तो वो एक फैक्टर था कि हाँ मैंने इसलिए MBBS एक्ट ऑप्ट किया था। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, फूड आप बनाते हैं या बाहर से खाते हैं? तो सर क्योंकि आप देखो बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर वहाँ इंडियन मेस है, मेस होती है या फिर इंडियन रेस्टोरेंट होता है, क्या होता है? सर व्लादिवोस्तोक का मेरे को अदर जगह का नहीं पता रशिया में, मेनली व्लादिवोस्तोक में क्या है आपके लिए इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे एक, आप वहाँ जा सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो मेजोरिटी ऑफ द क्या मतलब सारे इंडियंस क्या करते हैं सेल्फ कुकिंग करते हैं, तो सेल्फ कुकिंग आपको किचन प्रोवाइडेड है 24/7, आप कभी भी जाओ अपने टाइमिंग कंफर्टेबल के हिसाब से आप जाके कुकिंग कर सकते हो, और ग्रॉसरीज आपको वही मैं बताया आपको कि 6,000 to 8,000 आपके ग्रॉसरीज पड़ती हैं मैक्स टू मैक्स, आपको आप ग्रॉसरीज लाओ, और आप ज़्यादा वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स वगैरह नहीं ले सकते, लेकिन आपको दालें बेसिक चने राजमा वगैरह और बेसिक सब्जियां आपको मिलेंगी कि और चावल वगैरह सब मिलेगा कि आप कर लोगे कुकिंग, बस एक आटा, जैसे हम लोग इंडियंस हैं रोटी को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि हमें रोटी बहुत पसंद है, तो रोटी का ही कि आपको आटा मिलेगा वो थोड़ा कॉस्टली मिलता है, लेकिन हाँ ये है कि आप वीक में 2 वीक में एक बार आप बनाओगे तो आप ले सकते हो उसको। थैंक यू सो मच फॉर टाइम अंकित, थैंक यू। तो ऐसे स्टूडेंट जो फेफू यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं, रशिया में स्टडी करना चाहते हैं, और अगर इस सेशन में हमने अगर कोई भी टॉपिक कवर नहीं कर पाया हो, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो में, और एडमिशन रिलेटेड जो भी आपकी इंक्वायरी है डाउट आप मुझे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, हमारा चैनल उसको आप देख सकते हैं, और फर्दर अपडेट्स के लिए देख रहे हैं MBBS Track.com। थैंक यू।